हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। करण कुंद्रा ने दिया है नेहा भसीन को मुंह तोड़ जवाब और बोला है, मैं यहाँ पर कोई फेक रिश्ते नहीं बनाने आया हूँ। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि हम लोग आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि नेहा भसीन ने काफी सारी बातें तेजस्वी को बोली है करण के खिलाफ, काफी सारी बातें जो है उमर को बोली है करण के खिलाफ, काफी सारी बातें जो है निशांत को बोली उमर के खिलाफ। ये बातें जो है वो करण कुंद्रा को पता चली, उमर रियाज ने भी काफी सारी बातें बोली। इसके बाद जो है करण कुंद्रा को काफी सारा गुस्सा जो है वो नेहा भसीन के ऊपर आया था और नेहा भसीन से वो क्लियर कर रहे थे ये बात। किचन एरिया में करण कुंद्रा रहते हैं, वहीं पर नेहा भसीन आके बैठती है और करण कुंद्रा उनको बोलते हैं कि नेहा देख, मैं तेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तेरी बातों को मैं एक्चुअली मैं सही समझता हूँ, मैं जो वो बहुत ज्यादा मीन करती हैं और मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और ये चीजें जो तू कर रही है ये चीजें मुझे सब चीजें पता चल रही है, तूने मुझे आके बोला उसको मैंने मीन किया, तूने मुझे ये बात बोली कि प्रतीक जो है तेरी पीठ पीछे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, मैंने उस चीज को चेंज किया, तूने मुझे ये बात बोली कि तेजस्वी को तू समझा नहीं पाया जो शमिता ने तेरे साथ किया था, उस चीज को भी मैंने उस चीज को भी चेंज करने की कोशिश की। अभी जो तू मेरे बारे में बातें जो है उमर को तेजस्वी को तू निशांत को बोल रही है वो चीजें मुझे पता चल रही है, ये सब चीजें मत बोल, मैं तेरे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, मैं मीन करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अगर तू ये सब चीजें बोलेगी तो मुझे हर्ट होता है क्योंकि वो सब चीजें मुझे पता चलती है, मैं यहां पर जो भी रिश्ते बनाए मैंने मेरे रिश्ते सही बने हैं, फेक नहीं बने हैं। तो अभी करण कुंद्रा ने नेहा भसीन को ये सब चीजें बोल दी हैं जो कि उनके दिल में थी, उन्होंने वॉर्न कर दिया है नेहा भसीन को। अभी नेहा भसीन इस चीज को कैसे लेती हैं ये देखने वाला काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, पर नेहा भसीन के सब जो भी पैंतरे अपना रही हैं वो खुल के सामने आ जा रहे हैं, वो छुपा छुपी में कुछ नहीं कर पा रही हैं, वो एक अलग सा गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। क्या वो गेम कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है और बाहर बैठी हुई जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो इस गेम को पसंद करती हैं या नहीं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।